मैं हर बार कहता हूँ, इससे पहले काफ़ी मैं व्हाट्सएप के ऊपर ऑडियो क्लिप्स डाला करता था, उसमें बहुत सी बातें रिपीट हो चुकी है और अब मैं चाह रहा हूँ कि उनको वीडियो के ज़रिए आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो एक बात जो मैं कहता हूँ कि मेरे पास आदमी चेक करने की मशीन है, पूरा आदमी उसमें मैं घुसेड़ देता हूँ और पूरा निचोड़ के निकाल लेता हूँ, देखता हूँ। अभी इसका मैंने काफ़ी बार जिक्र किया है कि मेरे पास मशीन है आदमी चेक करने की, लेकिन फिर भी लोग जो है तो झूठ बोलने से और दिशा भूल करने से बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं। अभी सुबह की मिसाल है, एक साहब से मैंने एक टॉपिक पर बात किया और मुझे अंदाज़ा लग गया कि आदमी झूठ बोल रहे हैं। तो मैंने दो चार सवाल पूछा और झूठ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो कैसे है कि आप सच बोलिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। बहुत से लोग कह देंगे हम आपके लिए गर्दन कटा देंगे, जान दे देंगे, 5 लाख 10 लाख खर्च कर देंगे, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, लेकिन मेरे को उनसे उम्मीद नहीं। देखिए, बहुत से लोग जो कहते हैं हम पर्दे के पीछे रहेंगे, हम इतना ही काम करेंगे, ये कर सकते ये नहीं कर सकते, तो मेरे उनसे कोई नाराज़ी नहीं, साफ साफ अगर कोई कह दे। लेकिन अगर कोई कहता है हम गर्दन कटा देंगे, लाखों करोड़ों आपके लिए खर्च कर देंगे, ये वगैरह वगैरह, तो मैं उस दिन का इंतज़ार नहीं करता हूँ कि गर्दन कटाने का कब मौका आएगा। मैं सिंपल से छोटी छोटी बातों से आदमी को परख लेता हूँ कि भाई एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ही आप कर दो तो वहीं उनकी पैंट ढीली हो जाती है। तो जो एक पोस्ट आपके लिए शेयर नहीं कर सकता, वो गर्दन कहाँ से कटाएगा, एक सिंपल सी बात है। और मैं जो है नींबू पूरा निचोड़ कर देखता हूँ एकदम बारीक। अभी जैसे एक और मिसाल मैं बताता कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, एक नहीं कई बनाया था, मगर एक की मैं एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ। उसमें एक साहब को एडमिन भी बनाया और बोला कि भाई आप अपने कॉन्टेक्ट के ताल्लुकात के लोग इसमें ऐड कीजिए। उन्होंने यस बोले, वो मना करते मेरी कोई नाराज़ी नहीं कि ज़बरदस्ती तो है नहीं, लेकिन हाँ बोल दिए। फिर बहाने करने लगे, कई बार मैंने फ़ोन किया फ़ोन नहीं उठाए, इस तरह। तो अब इनको मैंने परख लिया कि जो आदमी एक नंबर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता है, तो अब अपनी मशीन ने बता दी उसका रिजल्ट क्या है। अगर पहले ही कोई बोल दे कि भाई मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं इतना ही कर सकता हूँ, इतना नहीं कर सकता हूँ, तो ये बात समझने वाली है और मेरी कोई नाराज़ नहीं। बहुत से लोग हैं जो साफ साफ कह देते हैं, मगर जो लोग बातें ऐसी करते हैं बड़ी बड़ी एकदम, या फिर ऐसा दिखाते हैं बड़ी मोहब्बत के, तो एकदम दिल काट के एकदम हथेली पर रख रहे अपने सामने, तो मैं उस समय का इंतज़ार ही करता। मैं छोटी छोटी बातों में परख लेता हूँ। अभी कैसे है कि बहुत से लोग जो है आपके काम को, कोई कहते हैं कि भाई आपका राजनीतिक पॉलिटिकल काम है, सोशल वर्क है, कोई कहता पर्सनल वर्क है, इस तरह मेरे काम को लोग बांट देते हैं और फिर कहते नहीं आपका ये पॉलिटिकल काम है तो हम तो सोशल काम में हेल्प करते हैं, कोई कहते हैं नहीं नहीं आपका पर्सनल है, हम सोशल वर्क में हेल्प करते, इस तरह भी लोग जो है तो पैतरे चलते हैं। लेकिन मेरी कोई नाराज़ी नहीं। कैसे है कि सामने वाले ने साफ क्लियर कर देना चाहिए कि भाई देखिए जो ए बी सी डी ये चीज़ें हैं, मैं ए कर सकता हूँ, बी कर सकता हूँ, या सी कर सकता हूँ, या कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरी कोई नाराज़ी नहीं। लेकिन कोई इस तरह का झांसा दे कि मैं गर्दन कटा सकता हूँ, तो मैं फिर नींबू पूरा निचोड़ता हूँ, आखिर कतरे तक निचोड़ के देख लेता हूँ कि कितना रस है, कितना दशा है, ताकि पता चल जाए वक्त पड़ने पर ये कपड़े उठा के भागने वाला है या नहीं है। तो जस्ट एक सुबह में बातचीत हुई एक बंदे से और कैसी मेरी मशीन ने चेक करके बता दी। मैं तो चैलेंज करता हूँ कोई मेरे से झूठ बोलकर बताए, अगर मेरी मशीन ने नहीं पकड़ी तब बोलना। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।